अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस मुझे सिर्फ एक ही क्यूरी आ रही है, सिर्फ एक ही क्यूरी के सर समझ नहीं आ रही, सर समझ नहीं आ रही, सर समझ नहीं आ रही। काफी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि हमें समझ आ गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कुछ मेरे भाई बहन अहबाब ऐसे भी हैं जिनका लैपटॉप कंप्यूटर की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक बार वीडियो को वॉच करते हैं और वो कहते हैं जी हमें बिल्कुल उमर भाई समझ नहीं आ रही। तो इसका तो मैंने अब सोल्यूशन निकाल लिया। आज मैं आपको मुकम्मल कोर्स का ओवरव्यू दूंगा, फिंगर बाय फिंगर, ईच एंड एवरीथिंग। मुकम्मल कोर्स इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि आपने शीट कैसे बनानी है, साइट्स कहाँ से लेनी है, क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करना है, क्लाइंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपने बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज या कल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जूम फ्री क्लासेस का भी आगाज करने जा रहा हूं, जिसकी टाइमिंग वगैरह इंशाल्लाह मैं एक दो दिन में आपसे शेयर कर दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरीज होगी आपकी लाइव क्लास से मैं आपकी क्यूरी को क्लियर करूंगा। तो जो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो मुकम्मल ओवरव्यू कोर्स का है, आपको ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये आज की वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, मैं इंशाल्लाह उम्मीद से कहता हूं, इंशाल्लाह उम्मीद से कि आपको मुकम्मल कोर्स की समझ आ जाएगी। बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मुझे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट आ रही है कि सर हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोगों को काम आना स्टार्ट हो गया है, कुछ लोगों को ऑर्डर भी इवन के आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको इंशाल्लाह मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप फेसबुक ग्रुप में नहीं है, फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइव क्लासेस फेसबुक ग्रुप में होगी, उसकी टाइमिंग कैसे आपने ज्वाइन करना इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दो तीन बार आप रिपीट करके देखेंगे, आपकी जितनी भी क्यूरीज है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इंशाल्लाह सारी आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। व्हाट्सएप पे 20,000 तक मैसेजेस मुझे आ चुके हैं। इंशाल्लाह मैं डे बाय डे 500-700 मैसेजेस का रिप्लाई कर इंशाल्लाह आपकी वहां पे भी क्यूरीज साथ ही साथ क्लियर कर दूंगा। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इंशाल्लाह आज आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज का मुकम्मल कोर्स का ओवरव्यू। मुकम्मल कोर्स आपको एक ही वीडियो में इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको आज बताने लगा हूं व्हाट इज बैक लिंक्स। आपको मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। जो जो प्रॉब्लम्स आप सबको आ रही थी वो सारी क्यूरीज मीन्स के मुकम्मल जो कोर्स है उसका ओवरव्यू मैं आपको इस पूरी वीडियो में दे दूंगा। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह सारी चीजों की आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ व्हाट इज बैक लिंक्स। बैक लिंक क्या होता है, हम बैक लिंक की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप बैक लिंक ये समझ लें कि क्लाइंट आपको अपनी साइट का लिंक देगा, क्लाइंट अपनी साइट का आपको लिंक देगा। आप कोई भी साइट समझ लें, लाइक xyz.com, कोई भी साइट्स आप समझ लें कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है। क्लाइंट आपको अपनी साइट्स का लिंक देगा, क्लाइंट कहेगा जी ये मेरी साइट है, इसके ऊपर मैंने लिंक बिल्डिंग करवानी है। जस्ट क्लाइंट आपको अपनी साइट का लिंक दे, आपने उस क्लाइंट का साइट का लिंक फ्री वेबसाइट्स जो हमारे पास है, जिसमें लाइक हमारे पास प्रोफाइल बैक लिंक है, वेब पॉइंट टू बैक लिंक है, इसके अलावा इमेज सबमिशन बैक लिंक है, ब्लॉग कमेंट्स बैक लिंक है, उस पे जाके जस्ट आपने क्लाइंट की वेबसाइट्स का लिंक को पेस्ट कर देना है। कुछ मुझे क्यूरीज आ रही है कि सर हमारे पास तो साइट ही नहीं है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपने किसी भी साइट्स को अज्यूम कर लेना है। कोई भी साइट्स आप ले लें, लाइक cheer.com, इस तरह कोई भी साइट ले लें, चेयर से ले लें, टेबल से ले लें, पैट्स रिलेटेड कोई भी साइट आप ले लें, उससे आप एज वो समझें कि मीन्स ये क्लाइंट की साइट है और उस पर लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर दें। अब इस साइट का लिंक लाइक हमने फ्री वाली जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है, लाइक प्रोफाइल वेब पॉइंट टू, उस पे जाके जस्ट पेस्ट करना है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि बैक लिंक्स क्या होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स। टाइप ऑफ बैक लिंक्स होते हैं प्रोफाइल बैक लिंक्स, वेब पॉइंट टू बैक लिंक, इमेज सबमिशन बैक लिंक, ब्लॉग कमेंट्स बैक लिंक और फॉरम बैक लिंक, और भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मैंने आपको वो वाली टाइप्स बताई है जो मैं खुद लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा हाई डिमांडेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है स्किल में। अब सबसे ज्यादा मुझे क्यूरी आ रही है कि सर हमें शीट नहीं मिल रही। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं शीट दे दूंगा, लेकिन वो शीट ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल। आप जस्ट सिंपल जाए गूगल पे, लिखे प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट, ये आपके सामने 800 प्लस प्रोफाइल बैकलिंक्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। ये लें आपके सामने ये सारी प्रोफाइल्स बैकलिंक्स की लिस्ट है।
वन बाय वन आपने कॉपी करना है इसे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि लिस्ट आपने कैसे फाइंड करनी है। जो आप सबका एक ही क्वेश्चन था कि सर हमें लिस्ट नहीं मिली, लिस्ट नहीं मिली, तो मैंने आपको बता दिया गूगल से आपने लिस्ट को कैसे फाइंड करना है। इसी तरह आप वेब पॉइंट टू बैकलिंग लिस्ट की लिस्ट भी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपने जस्ट इस तरह लिखना है, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ये सारी आपके पास blogger.com, Tumblr, Weebly, ये सारे आपके पास जो हैं वेब पॉइंट टू की लिस्ट है। इसके अलावा आप दूसरी साइट से भी लिस्ट देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने उन्होंने इसका डीए भी मेंशन किया हुआ है। ये सारी साइट पे हम वेब पॉइंट टू बनाएंगे। वेब पॉइंट टू बनाना, प्रोफाइल बैक लिंक्स बनाना, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने कैसे बनाना है। नंबर एक और इसमें जो सबसे कुछ लोग सर इसके लिए मोबाइल पे हो सकता नहीं, मोबाइल पे बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है, लेकिन कहना मीन्स के बहुत ही मुश्किल है मोबाइल से काम करना, तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना लाजमी जरूरी है। मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है कि आपने बैक लिंक्स क्या होता है, इसके अलावा आपने शीट को कैसे फाइंड करना है, लिंक्स कैसे बनाने, आगे मैं आपको लिंक्स भी बनाकर दिखाऊंगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट हमसे सैंपल मांग रहा है, क्लाइंट को हम सैंपल कैसे प्रोवाइड करना है और हमने शीट कैसे बनानी है, वो भी मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ। क्लाइंट को आपने सैंपल कैसे प्रोवाइड करना है और क्लाइंट को शीट आपने कैसे प्रोवाइड करना है और लिंक को कैसे सेव करना है और क्लाइंट को आप क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सब क्लियर हो जाऊंगा। फाइवर का अकाउंट बनाना, गिग बनाना, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, और मेरे फेसबुक ग्रुप को लाजमी आप ज्वाइन करें। आपकी सब बहुत ज्यादा क्यूरीज, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा बैन हो चुका है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप मेरा रिकवर हो जाए ताकि आप सभी क्यूरीज क्लियर कर दूं। उसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज वहां पर भी क्लियर कर दूंगा। चलें अब चलते हैं, आपने मींस के क्लाइंट को क्या सैंपल प्रोवाइड करना है और शीट कैसे बनानी है, ठीक है? तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि आपने शीट कैसे बनानी और क्लाइंट को कैसे सैंपल प्रोवाइड करना है। चलें अब एक लाइव लिंक क्रिएट करते हैं। मैं एक साइट ले लेता हूँ, अगर से ये मैंने साइट ले ली, इसे अब मैं ओपन करूंगा, आपके सामने एक लिंक बनाऊंगा। सबसे पहले हमने जाके इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप आपने अपनी फेसबुक से भी कर सकते हैं और आप लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। मैं इसे करूंगा जीमेल आईडी से, ठीक है? जीमेल आईडी से मैंने इसे साइन अप कर लिया। ये हमारे सामने ऐसा इंटरफेरेंस आ गया, ठीक है? क्लिक है, मैं प्रोफाइल बैक लिंक्स बनाने लगा हूं। मेरा जो मेन पर्पस था वो बताने शीट कैसे बनानी है, ठीक है? आप इधर गए, आपने जाके सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके आपने कोई भी साइट लाइक आपकी पेट से रिलेटेड कोई भी साइट है, लाइक क्लाइंट ने आपको दिया, आपने इसका मीन्स के यहाँ से साइट का लिंक कॉपी किया। ये साइट का लिंक है, आपने इस लिंक को कॉपी किया, इधर आपने लिंक को पेस्ट कर दिया, इधर आपने बायो में लिख देना दिस इज वेरी गुड अमेजिंग साइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी क्लाइंट की साइट से रिलेटेड, और बाकी आपने छोड़ दिया नाम वगैरह ऐसे ही। अच्छा, आप साइट का मींस के इधर से वो भी चेंज कर सकते हैं अगर आप साइट का नाम रखना चाहे तो, मैं तो ऐसे यूज कर लेता हूँ, कुछ भी, जस्ट हमें अपने लिंक से मतलब है और कुछ नहीं। आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है और उसके बाद आपने जाके अपने लिंक को चेक करना है, ठीक है? चेक करना कि आपका लिंक क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ। लिंक को चेक करने के लिए आपने इसे हमने सेव कर लिया, ये देखें ये आपके सामने है, आपका लिंक लाइव हो गया है। इस अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आपके पास वो साइट ओपन हो जाती है जो आपने अज्यूम किया, अगर आपके पास नहीं है या जो आपकी क्लाइंट की साइट है, ठीक है? आपने उसके बाद इस लिंक को इधर से कॉपी करना है, इसका आपने डीए भी चेक करना है, डीए डीआर दोनों। डीए चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डीए चेकर, वैसे तो हम मोज से चेक करते हैं लेकिन मैंने आपको मोज का अल्टरनेट बताया जो फ्री वेबसाइट है, ठीक है? ठीक है, ये साइट्स ओपन हो गई, मोज पेड है, ये वाली साइट बिल्कुल फ्री है। जैसे ये साइट ओपन हो गई, आपने जो लिंक क्रिएट किया लाइव, आपने जिसे यहाँ से कॉपी किया, आपने ये लिंक क्रिएट कर लिया लाइव, इसको आपने इस वेबसाइट में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका डीए नोट कर लेना है, ठीक है? आपने चेक पार्टी किया तो टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको इसका डीए बता देगा कि इस साइट का डीए कितना है। डीए मींस डोमेन अथॉरिटी, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने डीए डीआर को कैसे चेक करना है, और ये देखें इसका डीए 87 है, तो इस तरह आपने इसका डीए नोट कर लेना है। ये लाइव लिंक्स जो आपने बनाए हैं, जो आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक पेस्ट होगा, आपने ये लिंक्स क्लाइंट को शीट में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? और ये आपका एक किस्म का सैंपल भी हो सकता है, कोई भी कोई दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है तो आप सैंपल की डिमांड करता है तो
तो आपने उसे ऐसे सैंपल प्रोवाइड करना है। चलो मैं अब आपको शीट की तरफ ले, तो आपने शीट कैसे बनानी है, बैकलिंक्स लिखना है जो आपने अभी क्रिएट किया है बैकलिंक्स, और इसका डीए भी आपने मेंशन कर लेना। आप डीआर भी देख सकते हैं, डीए आई थिंक इसका 87 समथिंग था इस तरह। और आप नेक्स्ट इसके अंदर आप क्लाइंट की वेबसाइट, जो क्लाइंट की वेबसाइट थी जिसे हमने अज्यूम किया था, आप इधर वो पेस्ट कर दें। इस तरह आपने मुकम्मल शीट बना लेनी है। होप सो इस वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपने लिंक्स कौन से प्रोवाइड करने हैं फाइनली। इसी तरह आपने सारे लिंक्स वेब पॉइंट टू प्रोफाइल सब आपने बना लेने हैं। वेब पॉइंट टू प्रोफाइल ऑलरेडी मैं आप बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। और इंशाल्लाह मैं जूम की क्लासेस जल्द स्टार्ट करने लगा हूँ। व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉब्लम से बैन हो गया जो मैं रिकवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उधर भी आपकी सारी क्यूरीज में जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे मैं फेसबुक ग्रुप का लिंक दूंगा, आपने लिंक के थ्रू फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। इंस्टा आईडी भी मेरी इधर मेंशन, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद क्यूरीज जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी फेसबुक ग्रुप में क्लियर कर दूंगा। होप सो आपको सब समझ आ गया कि बैकलिंक्स क्या होती है, बैकलिंक्स के टाइप कैसे होती है, क्लाइंट को शीट क्या प्रोवाइड करनी है, सैंपल कैसे प्रोवाइड करना है, लिंक्स कैसे बनवाने हैं, लिंक्स आपने उसे शीट में कैसे ऐड करना, ईच एंड एवरीथिंग। होप सो पूरे कोर्स का जो ओवरव्यू है मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। फर्दर अगर आपको कोई मजीद समझ नहीं आएगी तो मैं वो चीजें भी आपकी इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। आप सारी तमाम वीडियो अगेन वॉच करें और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइव क्लासेस फेसबुक ग्रुप में होंगी और जल्द मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा टाइमिंग वगैरह की। तब तक मिलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।